अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नादिया हूं। मैं वेलकम टू माय YouTube चैनल प्रिंसेस आय। आज मैं आप लोगों को चिकन फ्राइड राइस चावल की रेसिपी बताऊंगी। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ऑयल लिया है और ये मैंने बंद गोभी थी, इसको मैंने काट लिया बंद गोभी को धो के। और ये मेरे पास अंडा था, अंडे को मैंने जो है छोटे छोटे पीसीस में काट लिया है। और गाजर थे, ये गाजर को भी मैंने काट लिया है। शिमला मिर्च है, ये मेरे पास शिमला मिर्च को भी मैंने काट लिया है। और चिकन था मेरे पास, चिकन को मैंने छोटे छोटे पीसीस में क्यूब्स में काट लिया है। और ये मेरे पास मैंने इसमें डाल दिया है कनौर के क्यूब्स हैं, ये राइस क्यूब्स हैं। और साथ में ये मैंने काली मिर्च डालनी है और साथ में मैंने नमक ऐड करना है। और ये मेरे पास जो है ये सोया सॉस है और साथ में मैंने चिली सॉस भी डालनी है और साथ जो है मैंने ये विनीगर डालना है, सिरका डालना है। और चावल थे मेरे पास, चावल को मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल करके मैंने जो है इसको निकाल लिया है बाहर। तो चले मैं ऑयल जो है वो गर्म रखती हूँ। गाइस ये मैंने देखती में जो है ये ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा सा मैं गर्म करूँगी और जैसे ही गर्म होगा तो इसमें मैं चिकन ऐड कर दूँगी। ऑयल जो है अभी गर्म नहीं हुआ, थोड़ी सी फ्लेम को तेज़ करूँगी। गाइस मैंने इसमें चिकन डाल दिया है, अब मैं चिकन को थोड़ा सा ब्राउन करूँगी। अभी तो वाइट है तो थोड़ा सा मैं भूनूंगी। गाइस ये चिकन जो है वो ब्राउन हो गया है और अब मैं जो है इसमें गाजर ऐड करूँगी। गाजर को थोड़ा सा ब्राउन करूंगी। गाइस अब मैं इसमें बंद गोभी ऐड कर दूंगी ताकि सब्जी जो है वो कच्ची ना रहे, अच्छे तरीके से गल जाए। गाइस अब ये थोड़ी सी हो गई है बंद गोभी और गाजर, तो इसमें मैं ये शिमला मिर्च ऐड करूँगी। अब मैं शिमला मिर्च को जो है वो थोड़ा सा इसको भी भूनूंगी और ताकि ये भी जो है अच्छे तरीके से गाजर ब्राउन हो जाए। अब मैं इसमें जो हूँ वो ये कनौर क्यूब्स डालने लगी हूँ, इसके साथ थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। दोनों इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना डालें, मुझे तो इसके बगैर अच्छे नहीं लगते, काफ़ी इसका अच्छा टेस्ट हो जाता है चावलों में। अब इसमें जो मैं सिरका ऐड करने लगी हूँ, टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसमें थोड़ी सी चिली सॉस ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसमें खट्टा सा थोड़ा टेस्ट आ जाएगा।
और अभी मैं इसमें सोया सॉस ऐड करने लगी हूँ। और ये भी 2 टेबल स्पून होंगे। इसको थोड़ा सा सब्जियों को पकाती हूँ। अभी गल रहा है और ये मैं इसमें काली मिर्च और इसमें नमक ऐड करूँगी, खट्टा ही कर देती हूँ इसमें। इसको भी मैं ऐसे मिक्स करती हूँ। गाइस चावल जो है हमारे रेडी हो गए, अब हम लोग जो है इसको डिश आउट करेंगे। चलिए डिश आउट करती हूँ। गाइस चावल जो है वो रेडी हो गए हैं और काफ़ी इसकी अच्छी जो है वो लुक आ रही है। और उम्मीद है आपको जो है आज की वीडियो मेरी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।